हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हमने पिछले दो वीडियोस में एस्टाक्सांथिन के बारे में पूरी जानकारी शेयर कर ली है, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज के वीडियो में हम एस्टाक्सांथिन के पोषक तत्व, उसके बालों और स्किन से जुड़े लाभ के बारे में जानने वाले, साथ ही अन्य लाभों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एस्टाक्सांथिन एक कैरोटीनॉइड है, यानी कि वो विटामिन ए से रिलेटेड है और नेचुरली माइक्रो अल्गी में प्रेजेंट होता है। वो रेड पिंक कलर जैसा होता है और ये डायरेक्ट ना मिल पाने से हमें इसे कैप्सूल फॉर्म में लेने की ज़रूरत पड़ती है। एस्टाक्सांथिन कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है विटामिन सी और विटामिन ई के मुकाबले। ये स्किन, हेयर, ब्रेन, हार्ट और आइस, इन सब के लिए भी अच्छा है। ये पोल्यूशन से बचाते हैं हमारी स्किन और हेयर को, सूर्य की हानिकारक किरणों से होने वाले स्किन डैमेज से बचाता है। एस्टाक्सांथिन हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई करने में ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से मदद करता है, जिससे सेल्स में अच्छे से खून पहुंचता है और वो सब अपना कार्य ठीक तरीके से कर पाते हैं, सभी हमारे अंग और सभी ऑर्गन्स। और इससे नए सेल्स जल्दी बनेंगे और डेड सेल्स इजीली रिमूव हो जाते हैं, और पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स को भी कम करता है त्वचा पर। एस्टाक्सांथिन फ्री रेडिकल्स को मारता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है। इसलिए आप एक्सरसाइज करने के बाद इसे लेंगे तो मसल्स को मदद करेगा, यानी कि मसल्स बनाने में भी ये सप्लीमेंट आपको मदद करेगा। ये स्किन सेल्स में मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ाता है, स्किन इससे ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड भी रहेगी, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ेगी और कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, फाइन लाइन्स, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाता है, इसलिए स्किन में कोलेजन और इलास्टिसिटी की मात्रा बनी रहेगी। कोलेजन हमारी उम्र बढ़ने का कारण है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी स्किन में कोलेजन का प्रमाण कम हो जाता है और हम बूढ़े दिखने लगते हैं। तो एस्टाक्सांथिन कोलेजन की मात्रा बनाए रखेगा, तो ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है एंटी एजिंग के लिए भी, आप इससे हमेशा जवान नजर आ सकते हैं। और एस्टाक्सांथिन विटामिन ई से 500 गुना ज़्यादा ताकतवर है, ग्रीन टी से 560 गुना अधिक अच्छा है, विटामिन सी से 6000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह सभी एंटीऑक्सीडेंट के मुकाबले ये सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मेल फर्टिलिटी में भी एस्टाक्सांथिन को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गतिविधि को बढ़ाता है। दिमाग के लिए न्यूरोप्रोटेक्टिव और न्यूरोजनरेटिव भी है, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी अन्य घटना से दिमाग या आँखों के पर्दे पर चोट लगती है तो डैमेज हुआ हो या फिर उसमें एस्टाक्सांथिन फायदेमंद है। नर्व्स को रीजनरेट करता है, अर्थराइटिस के दर्द में मिटाता है, मदद करता है। साथ ही एस्टाक्सांथिन कैंसर के बड़े हुए ट्यूमर को भी छोटा कर देता है। दिल के मसल्स डैमेज हो या टूट जाए तो उसको भी ये रिपेयर करता है, ठीक करता है, यानी कि हमारा हृदय हमेशा नया जैसा रहेगा। तो इस तरह आप भी पूरे बॉडी के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना लीजिए टीमेक्स एस्टाक्सांथिन कैप्सूल्स। तो आप भी दिन में दो बार इस कैप्सूल को लेकर अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं और अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो हमने इस एस्टाक्सांथिन के तीनों पार्ट में जो भी फायदे बताए आज के और पिछले दो वीडियोज़ में, उन सब का लाभ आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम एस्टाक्सांथिन का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे एस्टाक्सांथिन से जुड़ी, लेकिन फिलहाल के लिए ये तीन वीडियोज़ फ्री रेडिकल्स और एस्टाक्सांथिन के फायदे साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स को समझने के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।